अस्सलामुअलैकुम अरीबा। ओके तो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में अगर आप रिकॉल करें तो सिंपली क्या हो रहा था, हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी एंड बोथ आर कंबाइनिंग टू गिव यू अनदर कंपाउंड सी, जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और दोनों एटम्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे या जो भी एटम डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे उन दोनों का सिंगल बॉन्ड हो रहा था और दूसरा मॉलिक्यूल उन दोनों में ऐड हो रहा था, ठीक है। एलिमिनेशन एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी कि एलिमिनेशन में क्या होगा, ये नीचे आपको एग्जांपल भी दी गई है, ठीक है। एक रिएक्टेंट से एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा और उस रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डेट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और जो दो नेबर कार्बन है जिनका डबल बॉन्ड हो, जिनके सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, वो दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी यस अब्दुल्ला, एहसन एंड अरीबा, आप तीनों को भी क्लियर है? ओके तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं। वन आर हेलोजन नो एल्केन्स, जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, और दूसरे अल्कोहल्स कहलाते हैं, ठीक है। और चाहे अल्काइल है हेलोजन एल्कीन्स करें या अल्कोहल्स करें, दोनों एलिमिनेशन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है, एल्कीन मिलता है, ठीक है। अल्कोहल्स में जो एलिमिनेशन होती है उसको डिहाइड्रेशन का नाम भी दिया जाता है, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बता दूंगा मैं। फर्दर सिंपल सी बात यह कि वाटर फॉर्म हो रहा होता है तो वाटर रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल में से, इसलिए डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स या हेलोजिनो एल्कीन्स क्या करेंगे, एलिमिनेशन करते हैं और दूसरी एलिमिनेशन कौन करते हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा अब आ जाएं अल्काइल हैलाइड की हेलोजिनेशन एलिमिनेशन पे। अल्काइल हैलाइड को अगर हम इथानॉलिक एनएओएच के साथ ट्रीट करें तो एलिमिनेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बक कंडीशन है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है, जो कि आपके पास यहां पर है। ये देखें, बट द ओनली डिफरेंस इज यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह यूज किया गया है, एक्वस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज किया गया है, एक्वस यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके यूज किया गया है। तो ऐसे केस में हैलोजन रिमूव होके उसकी जगह OH नेगेटिव आयन जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। बट अगर मैं इथानॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन होने के बजाय HX फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जिस कार्बन पर हैलोजन है वो हैलोजन वहां से रिमूव होगा और नेबर कार्बन से H रिमूव होगा और ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना के HX मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी, सर इथेनॉलिक होता क्या है? इथानॉलिक मींस आपने सॉल्वेंट ऑफ NaOH नहीं लिया बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में इथेनॉल में डिसॉल्व किया है। सही है। और रिफ्लक्स का मतलब हीट होता है। हाँ, रिफ्लेक्स का मतलब हीट होता है, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? अभी ऑक्सीडेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स वाली हीटिंग कौन सी होती है और सर दूसरी हीटिंग कौन सी होती सर ये जो हैलोजिन के साथ जो एच लगा है ये सर ओएच का एच है। बेटा। ये कंपाउंड का एच है, मैं अभी रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, रुक जाए फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखें, इसी तरह मैं KOH इथेनॉलिक से रिएक्ट करवाऊंगा, यानी कि KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करके करूंगा तब भी ये रिएक्शन होगा। ये जो एच लगा है बेटा, ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे दो कार्बन है जिनके बिटवीन डबल बॉन्ड है, सॉरी दो कार्बन है, इस कार्बन पे तीनों एच लगे हुए हैं और इस कार्बन पे एक जगह एक हेलोजन है, ठीक है। तो ये हेलोजन जब यहां से रिमूव होगा तो नेबरिंग कार्बन का एच रिमूव होके एच एक्स बनेगा फॉर द टाइम बीइंग। एच एक्स इज नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। तो जब ये दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन पे कितने क्या बचे, दो हाइड्रोजन बचे
और इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन बचे, इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम है, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे एंड यू विल गेट एन एल्कीन। इज इट अंडरस्टैंडेबल? यस जी एसएन। जी सर, समझ आ गई। अरिबा आपको भी क्लियर है बेटा? ओके, तो पहला रिएक्शन देखें। अब यहां पे देखिए, मैंने HX नहीं बनाया, ठीक है, HX नहीं बनाया, उसका रीजन समझे। NaOH बेटा क्या होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जब ये दोनों यहां से ब्रेक हो गए तो ये दोनों क्या बनाएंगे? HX बनाएंगे। एंड इफ यू रिकॉल X, व्हाट X कैन बी? X कैन बी Cl, X कैन बी Br, और X कैन बी आयोडीन, राइट? सो व्हाट आर दीज? आर इन दीज एसिड्स? ये सब क्या एसिड्स है ना, और मीडियम आपके पास सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है जी? अब्दुल्ला, एहसान एंड अरिबा बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। आपका यहां से जो एच एक्स रिलीज हो रहा है, ये एच और एक्स एक एसिडिक नेचर रखते हैं, ये एनएओएक्स से रिएक्ट करेंगे और एनएओएक्स से रिएक्ट करने के बाद एनएएक्स आपका सॉल्ट बन जाएगा। एक्स वो जो भी हैलोजन प्रेजेंट है, आप उस हैलोजन को यहाँ पे एक्स की जगह मेंशन करेंगे और प्लस वाटर बन जाएगा। तो आपकी प्रोडक्ट एल्कीन के साथ एचएक्स नहीं होगी, बल्कि एचएक्स का बेस के साथ रिएक्ट होने पे सॉल्ट एंड वाटर होगा। ये बात क्लियर है सबको जी? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें जी। अब्दुल्ला क्लियर है जी सर? एहसान जी सर, क्लियर है। अरिबा ओके, तो ये आपका पहला रिएक्शन है। यहाँ पे हमने क्लोरीन दिखाया है, तो देखें मैंने अलग अलग कलर्स इसलिए यूज किए ताकि आपको बात समझ में आए कि कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये देखें इनिशियली क्या हुआ, यहां से एच और यहां से सीएल रिमूव हुआ और इन्होंने एचसीएल बना लिया। ये एचसीएल क्योंकि बेस मौजूद है सोल्यूशन में, एनएओएच से रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट दीज टू प्रोडक्ट्स एनएसीएल एंड एच2ओ, ठीक है। जब ये दोनों रिमूव हो गए तो इन दोनों कार्बन का एक बॉन्ड खत्म हो गया, तो उसकी वजह से ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और एथीन बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें जी। ओके ठीक है, अब आप लोगों के लिए छोटा सा टास्क शुरू हो रहा है। यू हैव दिस कंपाउंड और एनएओएच इथेनॉल के साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, मेक द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म। देखें इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगी? नहीं, HCl तो NaOH से रिएक्ट कर लेता है ना, NaCl, NaCl एंड H2O इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो प्री डिफाइंड है। जब भी हाइड्रोजन कार्बन दोनों होना जरूरी है ऑर्गेनिक में ना? हाँ, और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्री डिफाइंड है, यानी कि सोडियम हैलाइड एंड वाटर, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो जल्दी से पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी। सब अपने पास बनाएं और आप तीनों प्लीज मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो पूछें। बेटा स्ट्रक्चर बोला है, फॉर्मूला नहीं बोला जी। ओके
ठीक है ओके नाम लिखें अपनी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अब्दुल्ला एहसन एंड अरीबा काइंडली व्हाट्सएप मी एज यू हैव फिनिश योर प्रोडक्ट जल्दी बनाओगे ओके अब्दुल्ला आपका आ गया आंसर एहसन एंड अरीबा तो सही है मैं एक मिनट देख रहा हूँ ओके व्हाट विल बी इट्स नेम और देखें एक कार्बन के आपने सर मैंने भी सेंड कर दी हाँ एहसन आपकी भी सेंड हो गई है ओके ठीक है अब्दुल्ला आपने एक कार्बन के एक बॉन्ड ज्यादा बना दिया राइट जी सर सही बात तो फिर उसमें पूछा तुम ब्यूटीन बनेगा ठीक है अच्छा एज एक्सपेक्टेड अरीबा आपका मेरे पास अभी तक आंसर नहीं आया एज एक्सपेक्टेड मेरी बात क्या था कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ही हुआ ठीक है डिफरेंट आंसर्स थे देखें आपके पास सर दो मेरा सही था पॉसिबिलिटी एक मिनट हाँ सॉरी एसन मैंने आपका देखा था फिर मिस कर दिया जी एसन आपका सही था अरीबा आपका नहीं आया बेटा मुझे अब्दुल्ला आपको वो जो एक फिफ्थ बॉन्ड था वो नजर आ गया जी सर बस वही गलती थी ना हाँ अच्छा मगर एक चीज जो आप सबने ओवरलुक की ठीक है वो क्या चीज है वो ये है कि क्लोरीन जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन के दोनों नेबर्स में भी तो कार्बन है और उन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है तो आप किस बात किस तरह श्योर हैं कि ये क्लोरीन इसी हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा और जिन्होंने ये वाला डबल बॉन्ड बनाया है वो किस तरह श्योर हैं कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा किसी के साथ भी हो सकता है ना पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक है वो तो एडिशन के वक्त होता है तो इधर हम उसका रिवर्स कर देंगे मगर दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगी और आप सबने एक एक प्रोडक्ट बनाई है किसी ने ब्यूटवनीन बनाया किसी ने ब्यूटुइन बनाया दोनों बनानी पड़ती है तो देखें एक केस में क्या होगा कि जब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव होगा तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ठीक है बट इन एक्चुअल यहाँ पे थ्री प्रोडक्ट बनेंगी थ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनेंगे ठीक है जब डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो आपको ये मिलेगा ब्यूटवनी ठीक है ये बात क्लियर है सबको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नहीं तीन कार्बन है तो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे नहीं तीन कार्बन है तो तीन प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे अभी जरा वेट करें देखें जब ये क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा ठीक है तो आपके पास क्या बनेगा ब्यूटुइन तो आपकी इनिशियली ये दो प्रोडक्ट्स हो गए सर तो लेफ्ट वाले कार्बन का भी क्यों नहीं हो सकता कि उसका एच ले लिया जाए सबसे लेफ्ट वाले का सबसे लेफ्ट वाले का सबसे लेफ्ट वाले का अगर एच ले ले तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे अच्छा जी सही है ओके ठीक है तो डबल बॉन्ड बनने के लिए नेबर कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव होना जरूरी है ना ये बात समझ में आ रही है सबको ठीक है अच्छा अब देखें थ्री प्रोडक्ट्स क्यों बन रही हैं जब आपका ब्यूटुइन बना तो ब्यूटुइन तो सिस में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रांस में भी एग्जिस्ट कर सकता है बट ब्यूटवनीन का सिस और ट्रांस
नहीं होता। तो एक्चुअली वी आर गेटिंग थ्री प्रोडक्ट्स, वन इज ब्यूटोनी, ठीक है, देन सिस ब्यूटुइन एंड ट्रांस ब्यूटुइन। क्योंकि जब ब्यूटुइन मैंने बना दिया तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये सिस है या ट्रांस है? ऑब्वियसली नहीं पता। और जब रिएक्शन हो रहा है और प्लैनर स्ट्रक्चर हो रहा है तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ब्यूटुइन सिस फॉर्म में भी बनता है और ब्यूटुइन ट्रांस फॉर्म में भी बनता है। तो आपके पास जब आप 2-chlorobutene की एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको 3 डिफरेंट एल्कीन्स मिलेंगे, वन इज ब्यूटोनी, सेकंड वन इज सिस ब्यूटोनी एंड द थर्ड वन इज ट्रांस ब्यूटोनी। बात समझ में आ रही है? सर पेपर में सिर्फ मेजर बना के नहीं दिखाते? नहीं, इसमें पेपर में नॉर्मली ऐसा एग्जामिनर पूछेगा नहीं। या तो एग्जामिनर दो तरीकों से पूछता है, या तो वो बोलेगा कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, ठीक है, या तो वो बोलेगा जस्ट एरो देके इक्वेशन दे देगा प्रोडक्ट की 8 मार्क की, तो उसमें आप ये बनाएं या इस तरह बनाएं या इस तरह बनाएं, तो तब एग्जामिनर सब एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। और सर तीसरा, माइनर और मेजर का कैसे पता चलता है, माइनर और मेजर का मतलब ऐसे डिफरेंस पता क्या चलता है, होता हाँ डिफरेंस ऐसे पता चलता है कि मेजर वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें डबल बॉन्ड पे कम हाइड्रोजन अटैच्ड हो। है? सही है। हाँ, जब डबल बॉन्ड बनने के बाद जो कार्बन डबल बॉन्डेड है उस पे कम हाइड्रोजन अटैच हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3। और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2। तो वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होती है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन हो, यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनका हाइड्रोजन की जगह दूसरे ग्रुप अगर लगे हैं तो दूसरे ग्रुप अगर ज्यादा लगे हैं तो आपकी मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बात क्लियर है जी। तो आपको 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं, 2 पोजीशन आइसोमर और 1 पोजीशन आइसोमर का जो 2-butene है उसके स्टीरियो आइसोमर्स भी, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस्ट्रास आइसोमर भी मिल रहा है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, ठीक है। ये एस्पेक्ट क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें जी। अरीबा, अब्दुल्ला एंड एहसन, आप तीनों को भी क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, नाउ अब आपके पास थर्ड स्ट्रक्चर है इसकी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब आपको पता चल गया कि आप किस स्ट्रक्चर की सोच सकते हैं। अब आप जरा ड्रॉ करेंगे कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इसकी।
सर अगर सिमेट्रिकल बनना है तो फिर ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स का देखा जाएगा ना। हाँ जी, अब तो उसके बाद डबल बॉन्ड बनाने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे ना वो सिस ट्रांस शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सिस तो ट्रांस अगर शो करता है सिमेट्रिक बनेगा ही नहीं तो फिर सिस ट्रांस को नहीं कंसीडर करेंगे ना। बेटा जरूरी थोड़ी है सिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक भी तो सिस ट्रांस शो करते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो सिस ट्रांस शो होगा वरना सिस ट्रांस नहीं करेगा। अच्छा कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनी हैं जी? उबैद दो आ रही हैं। तैयब एहसन अब्दुल्ला एंड अरीबा आप तीनों की कितनी आ रही हैं? सर चार बनेंगी, दोनों डबल बॉन्ड्स पे अलग अलग हैं, दोनों के दोनों में तो चार बन रही हैं आपकी क्या? नहीं मैंने अभी बनाई दो हैं लेकिन पॉसिबिलिटी चार लग रही है। कैसे पॉसिबिलिटी चार्ज की है? देखें अगर क्लोरीन यहां से रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन कौन सा वाला रिमूव हो सकता है? ग्रीन या येलो, ठीक है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, ठीक है, और अगर ये येलो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब है आपकी दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या ये हैं, राइट? क्या इन दोनों में से कोई सिस ट्रांस शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है तो ये भी सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो CH3 है तो ये भी सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या थी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो आपको कितनी प्रोडक्ट्स मिलेंगी? यू आर गोइंग टू गेट ओनली टू प्रोडक्ट्स ओवर हेयर। जी एसएन अरीबा एंड अब्दुल्ला प्लीज क्लियर कीजिए अपना अगर कोई डाउट है। सर आपको भेज दिए दो, वो मैं देख लेता हूँ। तो ये आपकी यही बनी है अली? तो मेरी भी दो बने। जी आपने दोनों प्रोडक्ट सही बनाई हैं, मगर देखें इन दोनों में से अब्दुल्ला कोई भी सिस ट्रांस नहीं बना सकता ना, ये बात समझ में आ रही है जी? क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डबल बॉन्ड के बाद अगर वो सिस ट्रांस बना सकता है तो फिर हम उसको फर्दर दो काउंट करेंगे, उसको एक के बजाय दो काउंट करेंगे, अगर सिस ट्रांस नहीं बन सकता तो फिर उसे एक ही काउंट किया जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है? तो जी अरीबा अब्दुल्ला एंड एहसन आप तीनों को भी क्लियर है? ट्रांस के लिए बेसिकली देखना होता है ना कि डबल बॉन्ड के कार डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों साथ दो डिफरेंट अलग हैं, सेम है तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाएं। इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाएं। इसकी एक ही बनेगी ना? जैसा आपको लग रहा है बना के भेज दें, बाकी सब भी बना लेते हैं, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा ना, जो जिसको जैसा लग रहा है वो वैसा। क्योंकि अगर मैं पहले ही बता दूंगा आप लोगों को आंसर तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगा। आपसे कितनी बनी? ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशन? सर इसमें तीन बनेंगी जी। जी अच्छा
देखते हैं, मुझे नहीं पता अभी मैं कुछ नहीं डिस्कस कर रहा। जी एसएल क्या कह रहे हैं आप? सर इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। उन पॉसिबिलिटीज को बना लें, अगर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, जिसको एक पॉसिबिलिटी लग रही है वो एक पॉसिबिलिटी बनाए, जिसको चार पॉसिबिलिटीज लग रही है वो चार बनाए। अरिवा आपने मुझे एक भी स्ट्रक्चर नहीं बना के भेजा, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है मेरा। जी अभी कितनी का है? तो जो बन रही है वो तो बनाए ना, आपने कितनी बनाई? जुपिटर जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों बन रहा है ये बताओ, इससे और यहाँ पे क्यों हाइड्रोजन बन रही है इस बात का तो ख्याल रखो कि जहां पे डबल बॉन्ड बना रहे हो वहां का हाइड्रोजन कम करोगे ना। सर मुझे भी तीन लग रही हैं। ठीक है जी, सबने बना लिया। सर मैंने सेंड कर दी। ओके एसन, ओके ओके ये तो आपने सही बनाए हैं, वैसे आपने भी अब्दुल्ला तीन सही बनाए हैं, ठीक है। अब जरा एक बात सुनिएगा, देखें हाँ मैं उसी पे, आप देखें जब क्लोरीन यहां से रिमूव हो रहा है तो डबल बॉन्ड यहां से भी रिमूव हो सकता है, और हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज तो हैं। तो अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ तो आपकी ये प्रोडक्ट बनी, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ तो आपकी ये प्रोडक्ट बनी, ठीक है, और अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ तो आपकी ये प्रोडक्ट बनी। जरा इन तीनों को नेम दें, इन तीनों सर को ये नेम एक ही दें, है। ये एक ही है। तो यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री आर टू मिथाइल प्रोपनी, नहीं आइसोमर्स नहीं है, आइसोमर्स तो अलग होते हैं, ये एक ही कंपाउंड है। मतलब कहीं से भी आप हाइड्रोजन रिमूव करें कुछ फर्क थोड़ी आ रहा है। मतलब ये रोटेट हो रहा है, बेसिकली रोटेट करा हुआ है हाँ मैंने। ये रोटेट हो रहा है बिल्कुल। तो एवरी टाइम देखिए, आइसोमर का हमेशा नेम डिफरेंट होता है। आइसोमर दो कंपाउंड सेम थोड़ी होते हैं, आइसोमर से तो इस डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ पॉसिबिलिटीज तीन जरूर थी, मगर वो तीनों पॉसिबिलिटीज एंड अप हो रही है एक ही कंपाउंड पे। यू आर नॉट गेटिंग द थ्री डिफरेंट कंपाउंड, ये बात क्लियर है तो जी? सर ऐसा समझ में आई बात आपको? जी सर सर बगैर बनाए कैसे पता चलेगा कि सेम ही होगा? देखिए बगैर बताएं कैसे पता चलेगा, अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे, लेट सपोज आप रेफर करते हैं, तो दैट इज योर फर्स्ट कार्बन, दैट इज योर सेकंड एंड दैट इज योर थर्ड कार्बन, तो आपको नेम पता चल गया, टू मिथाइल ग्रुप फनी, राइट? आपने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया तो दैट इज योर कार्बन, दैट इज योर सेकंड कार्बन। अब थर्ड ऊपर वाले को बना दें या नीचे वाले को बना दें, क्या फर्क पड़ेगा? अगेन यू आर गेटिंग टू मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा रहे हैं तो दैट इज योर फर्स्ट कार्बन, दैट इज योर सेकंड और थर्ड, मैं इसे बनाऊं या इसे बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक थर्ड बनेगा एक साइक्लिक बनेगा, तो अगेन टू मिथाइल प्रोपोनी। क्लियर हुई जैसे बात? अगर हमने तीनों बना दिए तो फिर क्या मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं कटेंगे, मगर तीनों तो आपको, आप जब दूसरा ही बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना नेमिंग, अगर आपका नेमिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आप वही चीज दोबारा बना रहे हैं, जी ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर मैं इन दोनों का नेम दूं तो यहाँ पे क्या हुआ था, टू मिथाइल
नहीं सॉरी नॉट टू मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटोनी, नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहां पे नेम दूं तो 1 2 3 4, सो टू मिथाइल ब्यूटोइन। देखिए ना दोनों के नेम अलग अलग जा रहे हैं, बट आपने तीन बना लिए और आपने तीनों के नेम किए, नेम एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब आप दो को फॉरन से इरेज कर देंगे। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। तो हमारे पास यहां पे टू प्रोडक्ट्स मिली, यहां पे हमने देखा कि थ्री प्रोडक्ट्स मिली, और इस केस में वी आर गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट, राइट? नाउ आइडेंटिफाई हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल गेट ओवर हियर। सर ये कितने मार्क्स का आता है बेटा? एक स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो एक मार्क का आएगा, अगर दो स्ट्रक्चर बन रहे हुए तो दो मार्क का आएगा, और जितना पहले वाले में तीन स्ट्रक्चर बन रहे थे तो आपको थ्री मार्क्स ही अवार्ड होंगे, और अगर उसने तीनों के तीनों बनाने को बोला है तो। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मार्क्स भी आइडेंटिफाई हेल्प कर देंगे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है कम बन रही है। ठीक है, जो बन रहा है बनाए, अभी मुझसे नहीं पूछिए। ठीक है, अभी अपना जो है थोड़ा सा दिमाग चला के बनाए जो प्रोडक्ट बन रही है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। जी अब्दुल्ला, एसन एंड अलीबा, सर नहीं बन रहा। ओके मतलब आपसे बन नहीं रहा या क्या कहना चाह रहे हैं, पहले ये बात क्लियर करें। सर एक लास्ट वाले कार्बन पे सीएल है तो एक उसका हटेगा और फिर उसके नेबरिंग वाले का हटेगा, लेकिन उसके नेबरिंग वाले का हटेगा तो फिर मतलब एक बॉन्ड यूज करेगा तो कितने बनेंगे? देखें ये जो क्लोरीन है ये बेसिकली कार्बन पे लगा हुआ है ना, तो जब ये यहाँ से हटेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा ऑब्वियसली, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन नहीं करेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रोडक्ट ओवर देयर, ओवर हियर। बात समझ में आई सबको? वही ना, क्योंकि उसके तीन ऑलरेडी ऐसे चार है, मतलब तीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होता तो फिर डबल बॉन्ड इधर बनता, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये देखें, ये मैंने कंडीशन बता दी है नीचे कि स्ट्रक्चर में ये कंडीशन होनी चाहिए एलिमिनेशन होने के लिए, यानी कि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसके नेबर कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा तो एलिमिनेशन होगी, अदरवाइज एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दो नेबर कार्बन हो उनमें से एक कार्बन पे हैलोजन हो और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो एलिमिनेशन होगी, अदरवाइज एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर? जी एसन एंड अरीबा। जी सर क्लियर है। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब इनमें कुछ याद करने का नहीं है, बस ये समझने और फिर वहां पे करने का क्या कंडीशन है कि मुझे पता है कि जब मैं इसको NaOH इथानोलिक से रिएक्ट नहीं इधर आता, जब मैं इसको इथानोलिक NaOH से रिएक्ट करा रहा हूं तो ये बन रहा है। एग्जामिनर यूं भी दे सकता है कि वो यहां पे बोल देगा NaOH एक्वस, क्या बनेगा? यहां पे बॉक्स दिया है तो क्या बनेगा? मैं स्केलेटल फॉर्मूला बना रहा हूँ, सीएल की जगह OH आ जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड इथानोलिक है तो मुझे एल्कीन मिलेगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी और सीएल की जगह ओएच आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये बात याद करनी है, सही है। हाँ ये बातें याद रखनी है, ठीक है यहां तक क्लियर? एसएन क्लियर है? जी और सर, ये कंडीशन याद रखनी है, आपको स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें एलिमिनेशन हो रही है या नहीं हो रही। ओके अगर एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बिल्कुल वैसा ही है। क्या है, सिर्फ कंडीशन याद होनी है, वहां पे एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड की करने के लिए हम इथेनॉलिक एनओएच यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम या इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है अल्कोहल में ओएच होता है ना, तो एक कार्बन से ओएच रिमूव होगा और उसके नेबर कार्बन से एच रिमूव होगा और वो वाटर बन के रिमूव अलग हो जाएंगे, तो वाटर फॉर्म हो रहा है इसलिए डिहाइड्रेशन कहला रहा है, ठीक है। और वही अल्कोहल हाइड्रो डिहाइड्रेशन करेंगे, इट्स द सेम कंडीशन, जिन अल्कोहल्स में जिस कार्बन पे ओएच है उस कार्बन के नेबर कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन और ये ओएच रिमूव होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। आ रही है बात समझ में सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा नहीं, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ये कैटलिस्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हम यूज कर रहे हैं वो कैटलिस्ट है, और उसकी प्रेजेंस में सिंपली यहाँ से वाटर रिमूव होके ये जा रहा है और उसके रिमूव होने की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर देखें तो कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। और आपने उसी तरह नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है, और अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने पे जाएं तो वो सेम होगा। अब जितना इथेनॉल है तो जब यहाँ से OH रिमूव होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इथीन बनेगा जिस तरह प्रीवियस केस में हो रहा था। एलिमिनेशन में हैलोजन रिमूव होता है और डिहाइड्रेशन में OH। नहीं डिहाइड्रेशन भी देखो रुको अब्दुल्ला, डिहाइड्रेशन इज आल्सो एन एलिमिनेशन, बट हमें स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वाटर रिम बन रहा है ना, रिमूवल ऑफ वाटर, बट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। द ओनली डिफरेंस कि वहां पे हैलोजिनो एल्केन की एलिमिनेशन हो रही थी और डिहाइड्रेशन में अल्कोहल में से एलिमिनेशन हो रही है वाटर, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ये बात क्लियर है? एसन जी, एसन जी सर, क्लियर है। अरीबा आपको भी बेटा क्लियर है? अब ये देखें जब ये ओएच रिमूव होगा तो यहां से एच रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ब्यूटेनिन बन गया, और अगर ये ओएच यहां से एच रिमूव करेगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ब्यूटेनिन बन गया, और ब्यूटेनिन का सिस और ट्रांस होता है तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट द थ्री स्ट्रक्चर्स। ठीक है बिल्कुल वही सेम रिपीटेशन है, समझ में आ रही है बात? अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्लियर है? ओके अब अगर मैं इसकी करूंगा तो अगेन कितनी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्योंकि जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो दोनों ऐसे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है जिनके सिमिलर ग्रुप है, तो इसलिए वो सिस ट्रांस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। और यहां पे वही अगेन एक प्रोडक्ट मिलेगी, और इस केस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ओ एच जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन के जो नेबर कार्बन है जिस उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेम एज इट इज वही है, सिर्फ कंडीशन का फर्क है, और जो साइड ग्रुप बन रहा है ऑर्गेनिक के अलावा उसमें फर्क है, वहां पे जो है सोडियम हैलाइड और वाटर बनता था, यहाँ पे जस्ट वाटर बनता है और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये बात क्लियर है? स्टिल अगर बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो प्लीज पूछ लें। अच्छा नमाज ब्रेक, बिल्कुल मुझे तो नमाज का बस 5 मिनट दे दें, क्लास वाइंड अप करते हैं और फिर जो है मैंने भी नमाज पढ़नी है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके आफ्टर एलिमिनेशन सर हमारा ऑर्गेनिक के बाद रह गया था क्या? हाँ ऑर्गेनिक के बाद दो क्लासेस मुझे आई थिंक 2 एंड 3 क्लासेस रिक्वायर्ड होगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
आफ्टर ऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा जी, ये और तो हमारा वाइंड अप हो गया। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर। ये बात कल जो पास पेपर क्लास में थे उधर भी मैंने हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिस्कस किया था। हाइड्रेशन में क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वाटर रिएक्ट कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एक एच यहाँ पे लग गया, एक ओ एच यहाँ पे लग गया, दैट इज एडिशन, दैट इज नॉट कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। व्हाई? बिकॉज़ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुआ। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो भी मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल वॉटर के रिएक्शन की वजह से ब्रेक हो जाता है और वॉटर का एक पार्ट उसके एक ग्रुप से लग जाता है और वाटर का दूसरा पार्ट उसके दूसरे ग्रुप से लग जाता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर भी ब्रेक होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस एंड दैट इज एडिशन, ऊपर वाला। हाइड्रेशन, ये बात समझ में आ रही है? जी जी अब्दुल्ला, ऊपर वाला हाइड्रेशन था, ऊपर वाला हाइड्रेशन था, हाँ, जिसे हम एल्कीन की में एडिशन जो कर रहे थे, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ स्टीम इन एल्कीन, और नीचे वाला हाइड्रोलिसिस था। हाइड्रोलिसिस में वाटर भी ब्रेक होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी ब्रेक होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक होके दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, जिसमें से दोनों प्रोडक्ट्स में वाटर का एक में एच होता है और एक में वाटर का ओएच होता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा और वाटर भी एच और ओएच नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। टू टाइप्स की हाइड्रोलिसिस होती है। अच्छा, अभी मैं जनरल बात करने लगा हूं। एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। एसिडिक मीडियम को आप इन तीनों में से किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब है एसिड, ठीक है। आप HCl लिख दें, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा जा सकता है, नॉर्मली हम HCl लिखते हैं, या फिर H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे वही बात डिस्कस करने लगा हूं जो हमने अभी एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एल्कीन में की थी, कि हमारी जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई थी वो एसिड थी और कंडीशन मीडियम कौन सा था, बेसिक था, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होके वाटर और सॉल्ट बन रहा था। तो इसी तरह अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और आपकी इनकेस कोई ऐसी प्रोडक्ट फॉर्म हुई जो अल्कलाइन है, तो वो प्रोडक्ट उस एसिड का एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लेगी, और मोस्टली ऐसी अल्कलाइन प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्म होती है, उनकी ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो अमोनिया फॉर्म होता है या अमाइन फॉर्म होता है। अगर अमोनिया है तो, और अगर एच पॉजिटिव आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके अमोनिया माइन बना लेगा, और अगर HCl मेंशन किया हुआ है तो अमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन होकर अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। यानी कि अगर आपने रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं और आपको अमोनिया प्रोडक्ट मिल रही है, तो आप अमोनिया नहीं लिखेंगे, अमोनिया को H पॉजिटिव एक्सेप्ट कराने के बाद उसका सॉल्ट मेंशन करेंगे, जिस तरह अभी हमने किया था कि हमें HX मिल रहा था, मगर उससे वो HX NaOH से रिएक्ट करके NaX और H2O बना रहा था। इन द सेम वे अगर बेस फॉर्म हो रही है और वो बेस एसिडिक मीडियम में फॉर्म हो रही है, तो वो बेस भी बेस नहीं मेंशन होगी, उसका एसिड के साथ रिएक्शन होने पे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मेंशन की जाएगी। ये बात क्लियर है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी हम्माद, तैयब, अली, एहसन एंड अरीबा। जी सर, तो अगर ओके, तो ये क्या है, अमोनिया और अमाइन क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये एसिड का एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी का अपोजिट, अगर हाइड्रोलिसिस बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो हमें सर एक मिनट, नीचे वाला क्या था, वापस ऊपर करिएगा, देखें ये अमाइन ऊपर अमाइन, सही है।
अगर जस्ट एच पॉजिटिव से रिएक्शन का मीडियम मेंशन किया है तो आप जस्ट इसमें एक एच ऐड करा देंगे, ठीक है। और अगर HCl मेंशन किया है तो फिर आप यूं एक एच ऐड करा के पॉजिटिव चार्ज दिखा के साथ Cl नेगेटिव भी शो करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि सेंडर ने ये यूज किया या ये यूज किया है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है। दूसरी हाइड्रोलिसिस कौन सी होती है? बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। बेसिक हाइड्रोलिसिस में हमें अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। अल्कलाइन मीडियम NaOH एक्वस से KOH अगेन हाइड्रोलिसिस में हमें हीटिंग करना होता है, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब अल्कलाइन मीडियम में वही बात, वहां पे एसिडिक मीडियम में बेस फॉर्म हो रहा था तो क्या होगा? इसी तरह अगर अल्कलाइन मीडियम में आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है जो कि एसिड है तो वो क्या करेगी? अल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर लेगी। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ और आपने अल्कलाइन मीडियम यूज किया हुआ था, ये देखें अगर अल्कलाइन मीडियम आपने हाइड्रोक्साइड यूज किया हुआ था तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह उसका सिर्फ आयन लिख देंगे क्योंकि एच पॉजिटिव ये रिलीज कर देगा, OH से रिएक्ट कर लेगा वो एच पॉजिटिव और वाटर बना देगा। अगर NaOH लिखा हुआ था तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट शो करेंगे, और अगर KOH लिखा हुआ था तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट शो करेंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल रूल ये है कि आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हुई जो एसिडिक है और जो रिएक्शन का मीडियम था वो बेसिक था तो उस बेस से वो एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, और प्रोडक्ट फॉर्म हुई वो बेसिक है और रिएक्शन का मीडियम भी बेसिक था तो कुछ भी नहीं होगा, वो प्रोडक्ट एज इट इज रहेगी, ठीक है। आप अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हुई एसिड है, मीडियम भी एसिडिक है तो उस एसिडिक प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी। बट अगर एसिडिक मीडियम में बेसिक प्रोडक्ट फॉर्म हुई तो वो उस एसिड से रिएक्ट कर लेगी जिस तरह एसिडिक प्रोडक्ट बेस से रिएक्ट कर रही है बेसिक मीडियम में, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन तो रेडीली हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन के लिए किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है, आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं फौरन से रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये बात याद रखनी है कि जहां भी हमने एसिडिक मीडियम यूज किया और उस एसिडिक मीडियम में आपके पास बेसिक प्रोडक्ट फॉर्म हुई तो वो बेसिक प्रोडक्ट उस एसिड से एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर हमने बेसिक मीडियम यूज किया है और एसिडिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है तो वो उस बेस से रिएक्ट कर लेगी, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? जी अब्दुल्ला, एहसन एंड अरिबा। जी सर। तो हमने कंडीशन डिस्कस कर ली। अच्छा, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस करते हैं? ये चार कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, नाइट्राइल्स, एस्टर्स, अमाइड्स एंड अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस आप ऑलरेडी देख चुके हैं NaOH के एक्वस के साथ, क्या हो रहा था NaOH एक्वस के साथ, यहां से ये रिमूव होके यहां पे OH आयन आ रहा था ना, वो हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन तीनों की हाइड्रोलिसिस डिस्कस करनी है। अच्छा, इन तीनों में एक और कॉमन बात याद रखने के लिए आसान, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ऑन हाइड्रोलिसिस हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है, यानी कि ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, और ये वाले कार्बन क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। अगर एसिडिक मीडियम है तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखूंगा इन कार्बन को, और अगर बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिखूंगा। ये बात यहां तक क्लियर? अच्छा सर, ये वाली बात रिपीट कर दें। मैंने ये बात बोली कि ये यहां से ब्रेक हो जाएंगे ये कंपाउंड हाइड्रोलिसिस में, तो ये वाले जो कार्बन है, ये वाले कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी मैं दूसरी प्रोडक्ट नहीं बता रहा कि क्या बन रही है, ये वाले कार्बन क्या फॉर्म करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस में भी कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस में भी सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और अमाइड की हाइड्रोलिसिस में भी सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये बात क्लियर है? अब अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई, बट अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस हुई तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एच पॉजिटिव रिलीज कर देगा। क्लियर हो गई ये बात? जी जी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह थर्सडे को होगी, इधर ऑनलाइन या हो सकता है शायद
ना भी हो सकते हैं अगर पहला रोजा हुआ और टाइम की एडजस्टमेंट नहीं हुई तो फिर कुछ क्लास का रीस्केड्यूल इंशाल्लाह वीकेंड पे कर लेंगे. ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़.